हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल IRF स्टूडियो। दोस्तों 32 साइज कोट, 32 साइज कोट कटिंग, कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने 32 साइज कोट कटिंग को लेकर बहुत डिमांड किया है और ये वीडियो मैं आप लोगों के डिमांड पर ही बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को 32 साइज कोट कटिंग करके दिखाऊंगा और आप लोगों में से कुछ लोग कमेंट करते हैं कि सर आप एल स्केल बोलते हो और एल स्केल कटिंग नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपको मेजरमेंट टेप के साथ साथ एल स्केल का एक एक फार्मूला और टिप्स के साथ आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से ये एल स्केल कटिंग है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन दबा के ऑल पे कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इसका मेज़रमेंट देख लीजिए। इसका लेंथ है 28.5 साढ़े 28। इसका शोल्डर है 16.5 16.5। स्लीव लेंथ 23.5 साढ़े 23। चेस्ट 32 32 इंच। स्टमक यानी कि पेट 30 इंच 30 इंच। और इसका हिप है 34 34 इंच। और जो इसका नेक है, जो कॉलर है, वो 14 इंच है 14 इंच। तो सबसे पहले देखिए, आप इस तरह डबल करके फैब्रिक को बिछा लेंगे इस तरह से। ऊपर से देखिए, आपको 1.25 इंच फैब्रिक छोड़कर एक स्ट्रेट मार्का लगा लेना है। ऊपर से 1.25 इंच फैब्रिक को छोड़कर आपको एक स्ट्रेट मार्किंग लगा लेना है। इस तरह से हम एक स्ट्रेट मार्किंग लगा लेंगे। ये स्ट्रेट मार्किंग लगाने के बाद मेजरमेंट टेप को आपको इस मार्किंग में रख देना है इस तरह से। तो इस तरह से इस मार्किंग में आपको मेजरमेंट टेप को इस तरह से रख लेना है। और यहाँ हम इसका हाला का मार्किंग लगाएंगे। इसका जो चेस्ट है वो 32 है 32 इंच। तो 32 का चौथा हिस्सा होता है 8 इंच, 8 चौके 32, 8 4 जर 32। और इसमें हम हाफ इंच एक्स्ट्रा लगाएंगे, 8.5 इंच पे लगाएंगे। तो 32 में 8.5 इंच पे हमारा फ्रंट कटिंग होगा और यहाँ से 1.5 इंच ऊपर आपको एक मार्का लगाना है जिसमें हमारा बैक कटिंग होगा। इसके बाद हम स्टमक का मार्का लगाएंगे। जितना हमारा लेंथ है उसका हाफ करना है और उसमें 2 से लेकर 2.5 इंच तक आपको ऐड करना है। आप 2 इंच भी ऐड कर सकते हैं, 2.25 भी ऐड कर सकते हैं और 2.5 इंच तक ऐड कर सकते हैं। 2 इंच से कम नहीं और 2.5 इंच से ज़्यादा नहीं। तो जैसा कि हमारा लेंथ है वो 28.5 है, 28.5 को हम हाफ करेंगे तो ये 14.25, 28.5 को हम जब हाफ करेंगे तो 14.14, 14.25 इंच। और 14.25 इंच में आप 2 से लेकर 2.5 इंच तक ऐड करके स्टमक का मार्का लगा लेंगे। तो हम इसमें 2.25 इंच ऐड करते हैं तो 14.25 में 2.25 इंच ऐड करेंगे तो ये 16.5 इंच होगा। तो इस तरह से 16.5 में हम स्टमक का मार्का लगा लेंगे। आप इसमें 2 से लेकर 2.5 इंच तक लेंथ का हाफ करके ऐड कर दिए स्टमक का मार्का। इसके बाद हम लेंथ का मार्किंग लगाएंगे। लेंथ हमारा 28.5 है, 28.5, तो हम 28.5 ही लगाएंगे, न कम न ज़्यादा। इस मार्किंग को हमको एक मार्किंग और इधर लगा लेना है स्ट्रेट करने के लिए। तो यहाँ देखिए 8.5 इंच, 8.5, 1.5 इंच ऊपर हमारा एक मार्किंग जिसमें हमारा बैक कटिंग होगा। 16.5, 16.5, 28.5, 28.5। और इस मार्किंग को हमको स्ट्रेट कर लेना है। तो इस तरह से आप इस मार्किंग को स्ट्रेट कर लेंगे। तो इस मार्किंग को आप इस तरह से स्ट्रेट कर लीजिए। ये मार्किंग स्ट्रेट होने के बाद ये जो हमारा किनारी पीस है, यहाँ से आपको देखिए, यहाँ हमारा किनारी पीस यहाँ आ रहा है। तो पहले आपको किनारी पीस इसका स्ट्रेट से, जहाँ से हमारा फैब्रिक स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से हम 1 इंच पे लगाएंगे, 1 इंच पे। यहाँ हमने 1 इंच लगाया, यहाँ हम 1.5 1.5 इंच लगाएंगे। यहाँ जितना लगा रहा है यहाँ से 1/2 इंच, यहाँ ज़्यादा लगाएंगे। यहाँ हमने 1.5 इंच लगाया है तो यहाँ हम 2 इंच लगाएंगे, 2 इंच। यहाँ हमने जितना लगाया है यहाँ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा यहाँ लगाएंगे। और जितना हमने यहाँ लगाया है सेम हम यहाँ उतना ही लगाएंगे। तो यहाँ हमारा 2 इंच है, 2 इंच, तो यहाँ भी हम 2 इंच पर मार्कर लगाएंगे। इस मार्किंग को आपको स्ट्रेट कर लेना है इस तरह से। फिर आपको शेप स्केल से इस मार्किंग को शेप कर देना है। जिस तरह से मैं शेप कर रहा हूँ इस तरह से आप शेप कर लेंगे। इसको पलट लेना है इस तरह से और ये पलटने के बाद यहाँ भी आपको इसको शेप कर देना है। तो इस तरह से हम शेप कर देंगे।
हमारा जो कॉलर है, हमारा जो नेक है वो 14 इंच है, 14 इंच, 14 का हम पाँचवा हिस्सा करेंगे तो ये 3.25 इंच आएगा। तो ये देखिए 3.25 इंच पर हम इस तरह मार्का लगा लेंगे। अब दोस्तों मैं कॉलर का मेज़रमेंट लेता हूँ इसलिए मैं कॉलर के हिसाब से लगा रहा हूँ। अगर आपको स्केल के हिसाब से लगाना है, स्केल थ्योरी के हिसाब से, जैसा कि ये एल स्केल है, अगर इसके हिसाब से आपको लगाना है तब आप कॉलर के मेज़रमेंट के नहीं चेस्ट के मेज़रमेंट से लगाएंगे। जैसा कि देखिए यहाँ हमारा 12 लिखा हुआ है और 12 के बगल में यहाँ 6 लिखा हुआ छठा हिस्सा, तो ये जो छठा हिस्सा है आपको यहाँ इस तरह रख देना है स्ट्रेट मार्का पे। यहाँ लिखा हुआ है जो छठा हिस्सा है 13, 14, 15, 16 यानी 13, 14, 15, 16 यहाँ 23 तक लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, जितना चेस्ट है उसका हाफ यहाँ लिखा हुआ है उतना लगा देना है। जैसा कि हमारा चेस्ट है 32 इंच, तो 32 का जो हाफ होगा वो 16 होगा, तो यहाँ 16 लिखा हुआ है, तो इस तरह से आपको 16 पर रखना है और यहाँ आपको लगा देना है। तो देखिए हमारा जो कॉलर का मार्का जो हमने मेज़रमेंट टेप से लगाया था वो, और ये जो स्केल थ्योरी के हिसाब से है वो दोनों सेम ही है। तो आपको अगर मेजरमेंट टेप से लगाना है तो इसके बारे में तो मैं बता चुका हूँ किस तरह लगाना है, और अगर आपको स्केल से ही लगाना है तो स्केल का ये छठा हिस्सा है, जितना चेस्ट है उस हिसाब से आपको लगाना है। तो यहाँ जिस तरह मैंने आपको बताया इस तरह लगा लेना है। अब दोस्तों यहाँ इस मार्का को आपको ऊपर की तरफ स्ट्रेट कर लेना है इस तरह से, और यहाँ देखिए आप यहाँ हम शोल्डर का मार्का लगाएंगे। ये जो हमारा शोल्डर का मार्का होगा यहाँ से 1.25 इंच नीचे करना है आपको, 1 से 1.25 इंच नीचे करना है। तो हम इसमें 1.25 इंच नीचे करेंगे, तो देखिए किस तरह से, जैसा कि हमारा शोल्डर है 16.5 का हम हाफ करेंगे तो 8.25 इंच, और आधा इंच हम सिलाई के लिए मार्जिन देंगे, 1/2 इंच सिलाई के लिए मार्जिन देंगे। अब दोस्तों अगर ये आपको मार्का लगाना है तो आप यहाँ से मार्का भी लगा सकते हैं। जैसे देखिए 1.25 इंच पे हम एक मार्का लगा ले रहे हैं आपको समझाने के लिए, और इस मार्का को भी मैं स्ट्रेट करके दिखा दे रहा हूँ इस तरह से। यहाँ जो हमारा ऊपर वाला मार्का है यहाँ से हम 1 इंची 1 पुल्ली ऊपर उठाएंगे, देखिए 1 इंची 1 पुल्ली आपको ऊपर उठाना है। आप 1.25 इंच भी उठा सकते हैं, 32 चेस्ट है इसका, तो हम 1 इंच 1 पॉइंट उठा रहे हैं। यहाँ आपको इसको राउंड कर देना है इस तरह से इस मार्का को, और यहाँ शेप स्केल से इस मार्किंग को आपको शेप कर देना है इस तरह से, जिस तरह मैं स्केल बैठाया हूँ सेम इसी तरह आपको ये शेप कर देना है। अब देखिए दोस्तों ये हमने एक इंच 1 सूत ऊपर उठाया है यहाँ से, और 1.25 इंच नीचे डाउन किया है, तो ये टोटल 2.5 इंच में 1 पॉइंट कम आ रहा है। ये टोटल जो हमारा शोल्डर डाउन हो रहा है बैक में वो 2.5 इंच में 1 पॉइंट कम हो रहा है। अब दोस्तों अगर आपको ये स्केल थ्योरी से ही करना है तो स्केल थ्योरी में आप देख लीजिए, यह हमारा 12वां हिस्सा है, तो आप यहाँ इस तरह रखेंगे और इसका जो 12वां हिस्सा है वो डाउन कर देंगे। जैसा कि देखिए मैं आपको इधर दिखा रहा हूँ, ये जो 12वां हिस्सा लिखा हुआ है यहाँ आपको लिखा हुआ है 14, 15, 16, तो ये देखिए तो यहाँ 16 लिखा हुआ है, तो ये 16, जैसे कि हमारा चेस्ट 32 इंच है तो 32 का हाफ 16 होगा, तो ये 12वां हिस्सा का जो 16 है वो आप यहाँ लगा लेंगे इस तरह से, ठीक है, और फिर इसको आप इस तरह स्ट्रेट कर लेंगे। अब ये जो हमारा आ रहा है वो आधा सूत का फ़र्क आ रहा है, तो आधा सूत का फ़र्क कोई माने नहीं रखता, तो मैं आपको दोनों तरीका दिखा रहा हूँ। अगर आपको स्केल थ्योरी करना है तो आपको इस तरह से करना है। अब आप देख लीजिए ये जो हमारा शोल्डर है इसको हम पूरा मेज़रमेंट कर लेंगे। ये जो हम मेज़रमेंट कर रहे हैं, ये जो हमारा मार्किंग है इससे नहीं कर रहे हैं, हमारा जो ये किनारी पीस है, कोर पीस है कपड़े का, इसको मेज़रमेंट करना है स्ट्रेट करने के लिए। तो जैसा कि ये हमारा 10 इंच 1 पॉइंट आ रहा है, तो यहाँ भी हम 10 इंच 1 पॉइंट पर रखेंगे इस तरह आपको रख के 32 चेस्ट में आपको 1.25 इंच 1.4 माइनस कर देना है, 32 चेस्ट में 1.25 इंच आपको माइनस कर देना है 1.25 इंच। अब दोस्तों बहुत सारे लोग जो है क्रॉस बैक का मेज़रमेंट लेते हैं मेज़रमेंट लेने के टाइम पे, और बहुत लोग नहीं भी लेते हैं, तो जो लोग नहीं लेते हैं उनमें से एक मैं भी हूँ। क्रॉस बैक का मेज़रमेंट मैं नहीं लेता हूँ, मैं ये चेस्ट के फार्मूले के हिसाब से माइनस कर लेता हूँ। जैसा कि इसका चेस्ट 32 है 32 इंच, तो 32 इंच में 1.25 इंच हमने माइनस कर लिया है। अब ये माइनस करने के बाद इस मार्का को आपको इस तरह से शेप कर देना है, ये देखिए इस तरह से शेप कर लेना है। यहाँ आपको 1/2 इंच 1/2 इंच मार्जिन देना है जो हमारा सिलाई में जाएगा, तो इस तरह से 1/2 इंच पर मार्का लगा लेना है। अब हम यहाँ स्टमक का मार्का लगाएंगे, तो स्टमक का मार्का जैसा कि मैंने आपको सारे कोट के कटिंग में बताया हुआ है, SB2 बटन,
टैक्सीडो सॉल कॉलर, प्रिंस कोट, डीबी कोट, डबल ब्रेस कोट, सब में मैंने आपको बताया हुआ है कि जितना हमारा स्टमक है उसको छठा हिस्सा कर लीजिए, छः से डिवाइड कर लीजिए और आधा इंच सिलाई के लिए मार्जिन दीजिए। अब दोस्तों कुछ लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि आप बोलते हो कि ये एल स्केल कटिंग है लेकिन आप एल स्केल कटिंग दिखाते नहीं हो। तो दोस्तों एल स्केल कटिंग ये एल स्केल कटिंग ही है, लेकिन मैं आपको स्केल से नहीं दिखाकर मेजरमेंट टेप से दिखाता हूँ। मैं आपको अगर स्केल से ही दिखा दूँ तो आप देख लीजिए, यहाँ देखिए ये हमारा फर्स्ट जो है 12वां हिस्सा है, 12 लिखा हुआ है, उसके जस्ट बाजू में 6 लिखा हुआ है छठा हिस्सा, और यहाँ देखिए थर्ड लिखा हुआ है THIRDS थर्ड्स। तो यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ 13, 14, 15, 16, 17 यहाँ 23 तक लिखा हुआ है। तो ये जो है, ये जो हमारा है, ये हमारा स्टमक और हिप के लिए ही है। तो यहाँ आपको कैसे लगाना है देखिए, जैसा कि जितना स्टमक है उसका हाफ करके यहाँ लिखा हुआ है। हमारा स्टमक है 30 इंच 30 इंच, तो 30 का जो हम हाफ करेंगे तो 15 इंच आएगा, तो यहाँ 15 लिखा हुआ है 15 इंच। तो इस तरह से आपको 15 इंच पर रख देना है, ये मार्का लगा लेना है, और यहाँ से आधा इंच सिलाई के लिए मार्जिन दे देना है, हाफ इंच, जैसा कि मैं आपको अपने कोट के कटिंग के वीडियो में बताता हूँ। अब दोस्तों ये मैंने आपको स्केल से मार्का लगा के दिखाया तो आप लोग बोलोगे कि हाँ ये स्केल थ्योरी है, लेकिन दोस्तों यही चीज़ जब मैं आपको मेज़रमेंट टेप से दिखाता हूँ तो कुछ लोग कमेंट करके बोलते हैं कि ये एल स्केल कटिंग नहीं है। अब दोस्तों मैं आपको क्या बताता हूँ, जितना हमारा स्टमक है उसको छठा हिस्सा कर लीजिए, 6 से डिवाइड कर लीजिए और आधा इंच सिलाई के लिए मार्जिन दे दीजिए। तो अब देखिए जैसा कि हमारा स्टमक है 30 इंच, 30 को हम जो 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 × 5 = 30, ये 5 इंच, और यहाँ से आधा इंच हम सिलाई के लिए मार्जिन देंगे तो ये टोटल 5.5 इंच। जो चीज़ इस एल स्केल में जो फार्मूला है वही फार्मूला मैं आपको मेज़रमेंट टेप से दिखाता हूँ। अब दोस्तों ये देख लीजिए, ये हमारा 5.5 है, तो यहाँ से हम 3/4 नीचे ज़्यादा लगाएंगे, आधा इंच से लेकर 3/4, यानी आधा इंच से कम नहीं और 3/4 से ज़्यादा नहीं आप यहाँ नीचे लगा सकते हैं। जैसा कि यहाँ हमारा 5.5 इंच है तो इसमें हम 3/4 ज़्यादा नीचे लगाएंगे, तो 5.5 है, 3/4 ज़्यादा करेंगे तो ये 6.25 इंच हो जाएगा। तो 6.25 इंच हम नीचे इस तरह से लगा लेंगे, देखिए ये हमारा 5.5 है, तो यहाँ से पहले हम 5.5 लगा लेंगे इस तरह से, और फिर यहाँ से 3/4 1/4 इंच एक्स्ट्रा लगा लेंगे इस तरह से। इसके बाद आपको शेप स्केल से इस मार्किंग को शेप कर देना है इस तरह, इसको पलट लेना है, और ये जो हमने आधा इंच पे मार्का लगाया हुआ है इस मार्का में आपको इस तरह नहीं इस तरह रखना है, ये देखिए इस तरह रख के आपको ये शेप कर देना है। यहाँ दोस्तों हमारा 2 कट होगा, जो हमारा चाक बनेगा उसका मार्का लगाएंगे, तो इसका लेंथ जो है वो 28.5 है, तो 28 में हम 7 इंच या फिर 7.5 इंच में देंगे तो चलेगा, तो इसमें हम 7 इंच ही देते हैं, 7 इंच ही देते हैं। अब 7 से 7.5 इंच लेंथ के हिसाब से ये कट का मार्का लगा लीजिएगा। यहाँ आप 1/2 इंच से लेकर 2 इंच दीजिएगा, 1/2 भी चलेगा और 2 इंच भी चलेगा, तो हम इसमें 1/2 इंच ही दे रहे हैं, 1 इंच 3/4, आप 2 इंच भी दे सकते हैं। इस मार्का को भी स्ट्रेट कर लेना है इस तरह से, और ये इस तरह से। अब दोस्तों ये जो हमारा मार्किंग है इसमें हमारा स्टिच आएगा, तो आपको मार्जिन छोड़ के कटिंग करना है। चलिए मैं मार्किंग लगा के दिखाता हूँ, 1 इंच हम इसमें मार्जिन दे रहे हैं, आप ये मार्जिन कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। नीचे हम बॉटम में मार्जिन देंगे, इसमें हम 2 इंच का मार्जिन दे रहे हैं, आप ये मार्जिन 1/2, 2.5 इंच कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैं 2 इंच का मार्जिन लगा रहा हूँ इस तरह से। अब दोस्तों ये जो हमने मार्कर लगाया है वो हम यहीं तक लगाया है, हमने एक्स्ट्रा नहीं लगाया है, क्योंकि ये जो हमारा लेंथ का मार्किंग है ये भी फिक्स नहीं है, तो ये कैसे आएगा मैं फ्रंट कटिंग में आपको बताऊँगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। यहाँ से 1/2 इंच 1/2 इंच पे आप एक मार्का लगाएंगे स्ट्रेट करने के लिए, और इसको किनारी पीस से नाप लेंगे, ये जितना है ऊपर से नीचे तक आप स्ट्रेट कर लेंगे, तो ये हम स्ट्रेट कर रहे हैं किनारी पीस से, ऊपर से नीचे तक आपको ये मेज़रमेंट करके स्ट्रेट कर लेना है, और स्ट्रेट से इस मार्का को, स्केल से इस मार्का को स्ट्रेट कर देना है इस तरह से। इस तरह करने के बाद अब हम बैक की कटिंग करेंगे।
चलिए मैं आपको बैक कटिंग करके दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये हमने बैक कटिंग कर लिया है। अब दोस्तों इसका जो सेकंड पार्ट है, इसका जो फ्रंट और साइड पीस का जो कटिंग है वो मैं आपको सेकंड पार्ट में दिखाऊंगा। सेकंड पार्ट का वीडियो जो है स्क्रीन पे राइट साइड में दाहिने साइड में मैंने दिया है, वहाँ से आप देख लीजिए।